और सीधे पोरबंदर से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, अभी भी आपकी रिपोर्ट हमने देखी, ऐसी जगह जहां पर भले ही वायु का खतरा अभी टल गया हो, लेकिन हवाएं इतनी तेज कि वहां पर रुक पाना भी आप लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। तस्वीरें देखिए, हम देख पा रहे हैं कि खड़ा होना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, लेकिन आस्था देखिए, आस्था लोगों की इतनी मजबूत कि वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा और भगवान कृष्ण हमें बचा लेंगे। देखिए श्वेता, जब इस तरह की तस्वीरें होती हैं तो अमूमन आस्था ईश्वर में रह जाती है और फिर ये उम्मीद की जाती है कि अब कम से कम प्रकृति उन्हें बचाएगी। बिल्कुल, चूंकि मौसम विभाग ये कह चुका है कि वायु जो है वो यहाँ से, हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से गहराई में 120 किलोमीटर की दूरी पर वायु गुजर रहा है, जो आगे की ओर पोरबंदर से होते हुए आगे द्वारका की ओर जाएगा और फिर ऑफ कोर्स हो जाएगा। यानी जो हमला हो सकता था वायु का इन किनारों पर, तट पर नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये साइक्लोन है जाहिर है उसका असर दिखाई पड़ेगा। और वो असर इतना है कि इस समय यहाँ जो हवा की रफ्तार है सुबह के मुकाबले लगभग दोगुनी है। लगभग हम जिस जगह पर किसी तरह में मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर सारे होटल सारी हर जगह बंद थी, तो जहाँ हमने ठिकाना लिया था वहाँ पर छत लगभग हिल रही है और कई सारे, चूंकि अब ये अलर्ट था 4 बजे, स्थिति थोड़ी सी और बिगड़ सकती है। हवा की स्पीड तो है ही साथ में, लेकिन समंदर का ये रूप देखिए। मैं यहाँ कल शाम को घूम था इस इलाके में, ये जो पानी का स्तर है ये यहाँ से लगभग 40 मीटर 50 मीटर पीछे की ओर था और ये ठीक गहरा इलाका है। यहाँ तक पानी आने का मतलब है कि ठीक उस तरफ जो गांव है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, उस गांव भी हम जल्दी वहाँ की तस्वीर फिर दिखाएंगे आपको, वहाँ गांव में पानी पहुँच चुका होगा। और इसलिए आप जाकर के खतरे की, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि भले ही वायु टकराएगा नहीं तट से, लेकिन खतरा टला नहीं है। और इसीलिए लगातार हिदायत दी जा रही है कि वो लोग जो हैं जो किनारों पर रहते हैं वो सुरक्षित ठिकानों पर ही रहें, आगे न जाएं। जी आशुतोष, ये भी जानना चाहेंगे, क्या एनडीआरएफ की टीम अभी भी उतनी मुस्तैदी से वहां पर डटी हुई है, और साथ ही वहां के मौसम वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं, क्या वहां भी तेज हवाओं के साथ बारिश भी आने वाले समय में होगी? देखिए, बरसात पोरबंदर खासकर जो जिला है और यहाँ से लेके माधवपुर, मेरी जो मौजूदा लोकेशन है वो माधवपुर, और ये पूरे इलाके में सुबह से जो बरसात थी वो लगातार हो रही है। हालांकि अब जो है बूंदाबांदी हल्की हुई है, लेकिन बरसात लगातार हो रही है। एनडीआरएफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, उनकी गश्त तटवर्ती इलाकों में है कि लोग किनारे पर ना जाएं, और साथ ही इवैक्यूएशन के लिए, क्योंकि रह रहकर जो मछुआरों का गांव है, इस पूरे इलाके में कई सौ ऐसे गांव हैं जहां मछुआरे रहते हैं, वो बार बार अपने गांव की ओर जा रहे हैं अपना सामान देखने के लिए। उन्हें उनकी सबसे बड़ी चुनौती है कि निकाल के सुरक्षित ठिकानों पर रखा जाए। 4 बजे हमें बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि जो सबसे तगड़ा खतरा कहने को टला हुआ है, लेकिन मुस्तैदी अभी भी बरकरार है। शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। और अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि वायु तूफान कैसे कमजोर पड़ा। दिल्ली से आज तक संवाददाता सिद्धार्थ की इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के लिए राहत भरी खबर है। राहत भरी खबर यह है कि साइक्लोन वायु ने अपनी दिशा बदल दी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ढेर सारे बादल हैं अरब सागर के अंदर, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो बदल रही है। यहाँ पर जो ताजा जानकारी मिल रही है उसमें डायरेक्शन बदल रही है। मैं आपको ट्रैक दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बदल रहा है। तो यहाँ अभी की अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोन इस जगह पर मौजूद है, यानी समंदर में मौजूद है, और ये धीरे 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 नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वार्ड मूवमेंट कर रहा है, यानी उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में जो है इसकी डायरेक्शन हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, पहले कहा जा रहा था कि वेरावल के आसपास ये लैंडफॉल करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका जो मूवमेंट है काफ़ी स्लो है, यानी इसकी जो स्थिति है वो 15 तारीख तक गुजरात के कोस्ट के आसपास बनी रहेगी सीवियर साइक्लोनिक स्टार्म के तौर पर। आगे हम कह सकते हैं कि इससे गुजरात के जो तटीय इलाके में नुकसान होने की आशंका थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके की हवाएं चल रही हैं। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ये ग्रे एरिया है, अगर वहाँ की हम बात करें तो 51 से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और ब्लू एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 63 से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। और अगर ग्रीन इलाके की बात करें जिसमें वेस्टर्न सौराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा आता है, वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोस्टल एरियाज में हवाएं चल रही हैं। और जो येलो इलाका है, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पर एक्टिविटी है उसकी अगर हम बात करें तो ये इलाका समंदर में ही रहेगा, और यहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार है 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं गुजरात के लिए एक बड़ा खतरा टल गया है। और
लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार ज़्यादा रहेगी। जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें हैं, लिहाजा लोग समंदर के किनारे ना जाएं। साथ ही साथ जो अभी तक के एहतियात हैं उनको बरतने को कहा गया है, क्योंकि कई इलाके में भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है।